बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल आल्टो लर्न। आज की इस वीडियो में हम 100 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ करेंगे। ये बीपीएससी लेक्चरर प्रोफेशन की सीरीज़ की वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ हैं जो आपके आने वाले टेस्ट में बहुत हेल्पफुल होंगे, चाहे वो लेक्चरर का हो, कोई भी पीपीएससी का, एफपीएससी का, एनटीएस का, जो भी टेस्ट होगा उसमें आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी रॉकेट फैलकॉन 9 हैज़ लेफ्ट ऑफ 2 नासा एस्ट्रोनॉट फॉर द फर्स्ट टाइम टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। तो स्पेस एक्स इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विच पाकिस्तानी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ इम्पोज 3,000 फाइन फॉर नॉट वीरिंग फेस मास्क इन पब्लिक प्लेसेस। तो इस्लामाबाद कैपिटल सिटी में जो फाइन इम्पोज किया गया है वो 3,000 फॉर नॉट वीरिंग फेस मास्क। ऑन विच डे ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स वॉज बींग ऑब्जर्व 1 जून 2020। इसका करेक्ट बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान्स लॉ मिनिस्टर हु है रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट टू रिप्रेजेंट द फेडरल गवर्नमेंट बिफोर सुप्रीम कोर्ट इन जस्टिस काजी फाइस ईसा केस। फरोह नसीम बी ऑप्शन ये भी है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। ये ए ऑप्शन है। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान फेडरल मिनिस्टर फॉर एविएशन गुलाम सरवर खान। और क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन 1 जून 2020 गूगल डूडल सेलिब्रेटेड विच पाकिस्तानी फाइन आर्ट्स पायोनियर इन ऑनर ऑफ हर अचीवमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ फाइन आर्ट्स एजुकेशन। इसका भी ऑप्शन बी है, अना मलूका अहमद। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन विल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्शन 2020 टू बी हेल्ड फॉर 5 नॉन परमानेंट मेंबर फॉर अ 2 ईयर टर्म्स 17 जून 2020 को होने हैं। एंड विच पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी हैज़ बीन रैंक्ड एट 545 पोजीशन इन द वर्ल्ड इन 2020 बाय टाइम्स हायर एजुकेशन और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इंस्टीट्यूशन कायद आज़म यूनिवर्सिटी। अभी रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें फ़िलहाल लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द नेशन मुस्लिम टू किप हिजाब दिस ईयर 2020 इंडोनेशिया। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ मोबाइल ऐप लॉन्च बाय केपीके गवर्नमेंट अलाउइंग अब्यूज़ अगेंस्ट वोमेन चिल्ड्रन एंड ट्रांसजेंडर पर्सन टू द रिपोर्टेड। ऑप्शन है वोमेन प्रोटेक्शन विंग, ऐप का ये नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ MNA इलेक्टेड फ्रॉम नेशनल असेंबली सीट 45 हु हैज़ डाइड रिसेंटली ड्यू टू कार्डिक अरेस्ट। तो मुनीर और अकजई की डेथ हुई है, बी ऑप्शन है। और विच नेशन है रिसेंटली सस्पेंडेड इट्स फंडिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। USA ने ऑप्शन सी जो है उन्होंने सस्पेंड की है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बैन विच नेशन पैसेंजर एयरलाइन फ्रॉम फ्लाइंग टू US स्टार्टिंग फ्रॉम June 16 चाइना की। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेम द पाकिस्तान एम्बेसी एम्प्लॉय इन सोल हु हैज़ वन अल कोरिया 2020 इंटरनेशनल स्पीच कंटेस्ट ऑफ टोस्ट मास्टर DST 93। आना किम डी ऑप्शन है। विच पाकिस्तानी गवर्नमेंट कैबिनेट अप्रूव अ बिल सीकिंग द डेथ पेनल्टी फॉर दोज फाउंड गिल्टी ऑफ सेक्सुअली अब्यूजिंग चिल्ड्रन आज़ाद जम्मू कश्मीर AJK। बी ऑप्शन है, पाकिस्तान साइन कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वर 2.4 बिलियन विद विच कंट्री चाइना। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे बींग ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइड ऑन 5 जून 2020 वट वॉज दी थीम दिस ईयर बायोडाइवर्सिटी। सी ऑप्शन है बायोडाइवर्सिटी। 19 क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ हाउस इन सेनेट शहजाद वसीम। विच प्रोवेंशियल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली बैन एंट्री इन पब्लिक ऑफिस विदाउट फेस मास्क KPK। नेम द ऐप लॉन्च बाई पाकिस्तान गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल एंड दी अवेलेबिलिटी ऑफ वेंटिलेटर पार्क निगबान। विच अमेरिकन सोशल वेब को फाउंडर एलेक्स ओहानियन रिजाइन एंड अर्ज टू रिप्लेस हिम विद अ ब्लैक कैंडिडेट रेडिट। विच अमंग द फॉलोइंग हैज सिक्योर्ड डेलीगेट्स नीड टू क्लिंच द डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन एंड फेस डोनाल्ड ट्रंप इन नवम्बर
यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन जैक बाइडन, तो ये अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी यूएस इलेक्शन हो रहा है, तो यूएस इलेक्शन से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे कि कितने इलेक्टोरल वोट होते हैं, 270, और कौन विन करेगा, कितनी सीट से विन करेगा, ये सारा पूछा जाएगा जैक बाइडन, जाइस बाइडन। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पाकिस्तान स्पेशल इनवाइट टू अफगानिस्तान, मोहम्मद सदीक, और फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन पाकिस्तान हैज़ फॉर्मली एक्सेप्टेड रॉयल ऑर्डर ऑफ शम अवार्ड गिवन टू एक्स एंड वाई अमजद शेर अली कंबोडिया, विच अमंग द फॉलोइंग अवार्ड है बीन ऑनर टू टू पाकिस्तानी वॉलंटियर बाय ब्रिटेन क्वीन एलिजबेथ इन अप्रिसिएशन टू देयर वर्क फॉर प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी टू लोकल कम्युनिटीज, कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, और विच पाकिस्तानी स्पोर्ट फेडरेशन स्टार्टेड ऑनलाइन कोच कोर्स फ्रॉम June 11, 2020 जोडो, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज़ बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न वारशिप फॉर पाकिस्तान नेवी, तुर्की, एंड विच द नेम ऑफ वट इज़ द नेम ऑफ यूएनगा प्रेजिडेंट ताजी मोहम्मद बांदे, और हु अमंग द फॉलोइंग पाकिस्तानी फिजिशियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेजिडेंट जेंडर इक्वलिटी एट बिल ऑफ मेलिंदा गेट फाउंडेशन, डॉक्टर अनीता जैदी, विच नेशन पी एम हैज़ सेक्ट आर्मी चीफ फॉर वायलेटिंग कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शन, आर्मीनिया, एंड हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पाकिस्तान बैटिंग कोच फॉर इंग्लैंड टूअर यूनस खान, विच कंट्री हैज़ सेलिब्रेटेड फ्रीडम फ्राम COVID-19 ऑन June 9, 2020 न्यूजीलैंड, विच नेशन हैज़ अपॉइंटेड फर्स्ट ब्लैक मिलिट्री सर्विस चीफ US, ऑन विच डेट वर्ल्ड ओशन डे 2020 वॉज बींग सेलिब्रेटेड ग्लोबली, June 8, नेम द इंटरनेशनल एयरलाइन हु हैज अनाउंस डिस्काउंट ऑन टिकट फॉर हेल्थ केयर वर्कर अक्रॉस ग्लोब वर्किंग टू कॉम्बैट द COVID-19 pandemic, तुर्किश एयरलाइन, विच नेशन पार्लियामेंट अप्रूव न्यू मैप विच इंक्लूड इंडियन टेरिटरीज, नेपाल, वट इज़ दी श्रिंकिंग रेट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल इकॉनमी प्रिडिक्टेड बाय वर्ल्ड बैंक 5.2%, ऑन विच डेट सोलर एक्लिप 2020 विल टेक प्लेस 21 June, ऑन विच डेट वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑन एंटी चाइल्ड लेबर डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर 12 June, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन नॉर्थ कोरिया हैज़ कट ऑफ इट्स कम्युनिकेशन साउथ कोरिया, नेम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हु हैज़ कम्प्लीटेड 75 years in 2020 UN, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज़ टॉप द फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग इशू फॉर दी June 2020 बेल्जियम, एंड विच कंट्री प्रेजिडेंट हैज़ अथोराइज एक्शन अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफिशियल US, नेम द पाकिस्तानी फर्स्ट सिख फीमेल जर्नलिस्ट हु हैज़ बीन सिलेक्टेड वन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिख पर्सनैलिटी अंडर थर्टी इन द वर्ल्ड, मनमीत कौर, ऑन June 13, विच फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कैप्टन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस, शाहिद अफरीदी, एंड क्वेश्चन नंबर 47 है, ऑन विच डेट वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2020 वाज बीइंग ऑब्जर्व June 14, और नेम द पाकिस्तानी रिन्यूड रेडिप एंड टेलीविजन लेजेंडरी एंकर हु डाइड ऑन June 17, 2020 एट द एज ऑफ 84, तारिक अजीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड रिसेंटली विद अलामा इकबाल अवार्ड फॉर दी पोइट्री बुक गुले चांदी बाय दी पाकिस्तानी अकेडमी ऑफ लेटर्स, ज़ारा निगा जहरा निगा, हाउ मैनी सीट्स हैव बीन इलेक्टेड इनटू यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर 3 year टर्म बिगेन ऑन June 1, 2021, ये हैं 18, ऑन विच डेट इंटरनेशनल फादर डे 2020 वाज बीइंग ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड June 21, विच प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैव मेड कंपल्सरी द रीडिंग ऑफ होली कुरान विद उर्दू ट्रांसलेशन इन द यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, नेम द पोलिटिकल पार्टी विच हैव एंडेड इट्स अलायंस विद पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट एज अ कोलिशन पार्टनर ऑन June 17, 2020, BNPM, वट इज़ द नेम ऑफ ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च बाई फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू हेल्प अनएम्प्लॉयड ओवरसीज पाकिस्तानीज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन,
क्वेश्चन नंबर 55 अकॉर्डिंग टू द यूएन रेफ्यूजी एजेंसी हाउ मेनी रेफ्यूजीज हैव बीन डिसप्लेस्ड एट द एंड ऑफ 2019 अक्रॉस द वर्ल्ड 79.5 मिलियन, और व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू स्पाइडर स्पेसिस नेम आफ्टर स्वीडिश क्लाइमेट कंपेनर ग्रेटा थंबर्ग अगेन नो. What is the name of book recently published by former US National Security Advisor John Bolton, The Room Where It Happened? Name the Turkish diplomat who has been elected as president of 75th session of the United Nations General Assembly, Volkan Bozkir. Which of the following life-saving drug found by UK researcher to cure critical COVID-19 patients? Dexamethasone. According to the latest report released by UN Refugee Agency, what is the rank of Pakistan as refugee host country in the world? Fourth, what is the name of Qaid Azam Gordon who have passed away recently? Grandson. Qaid Azam grandson who very recently passed away, Muhammad Aslam Jana. And question number 62, what is the capital city of Mozambique? Maputo. Which among the following nation have topped the International Institute of Management Development IMD's World Competitive Index 2020 for the second year in the row? Singapore. And which among the following country is the largest holder of US government securities in April and with $1.27 trillion? On which date World Sustainable Gastronomy Day observed, June 18? Which among the following took Pakistani flag to the deepest point on Pacific Ocean and name Challenger Deep at 10,923 meters? Who have won English Premier League 2019 title? Liverpool. On June 30, 2020, which nation has passed the controversial national security law to criminalize offenses? China. Among which of the following country president signed the order to protect its monuments memorial at status US after clash with China? How many Chinese apps have been banned by India? 59. Or International Olympic Day 2020 was observed on which date? June 23. Name the Chinese satellite system which have been joined by Pakistan instead of US GPS, Bidogo navigation satellite system. Name the first Hindu temple to be built in capital of Pakistan, Shri Krishna Mandir. Which among the following nation Navy force has announced to build the first permanent base in the Indian Ocean by March 2021? To iska answer hai Iran. And question number 75 hai, which nation has decided to join United Nations Arms Trade Treaty UNAT to regulate its arms sales? China. Who has been re-elected as the president of Iceland? Gandhi Johnson. According to report issued by Civil Aviation Authority CAA, what was the reason due to which PIA aircraft crash on May 20, 2020? Human error. What is the name of former JI Mir who have been passed away recently? Sayyid Munawar Hussain. Which nation university awarded first ever ninja studies degree? Japan. Name the Russian private space corporation which announced that it would take 2 tourists to the International Space Station ISIS in 2023 to perform spacewalk with the trained cosmonaut Energia. What is the name of official news agency of the Islamic Republic of Iran? Which nation has adopted new system to track mobile phone in order to limit crowding of seaside resort? Belgium. Which country offered citizenship to the resident of Hong Kong for 5 years? UK. Who has been appointed as caretaker CM of Gilgit-Baltistan? Mir Afzal. Which among the following women became the first 3-star and first female surgeon general in the Pakistan Army? Nigar Johar. Who have been elected as Ireland new PM after coalition deal? Mitchell Martin. Question number 87 hai, which nation has issued arrest warrant against US President Donald Trump over the assassination of Army Chief Iran, who became the youngest ICC UMP at the age of 36, Nathan Menon? Which provisional government launched project to set up firm under public-private partnership KPK? Which two countries to host 2020 Women FIFA World Cup? Australia, New Zealand.
ये थे हमारे पास 90 क्वेश्चन जो PPSC के लेक्चर के टेक्स्ट में आ सकते हैं और कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।